नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2026 का जो नया अपडेट है, मतलब क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल का जो डैशबोर्ड कैसे देखना है, यूट्यूब चैनल का अकाउंट कैसे देखना है, उसमें अपना चैनल कैसे देखना है। तो हर टाइम यूट्यूब का एक तो है रूल चेंज होते रहता है, तो मैं 2-4 महीने के आगे एक तो देखा था अलग टाइप का ओपन हो रहा था, और उसके आगे फिर देखा था कि जहाँ पे क्लिक करो जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड ओपन होगा क्रोम ब्राउजर में, वहाँ पे क्लिक करने के वहाँ सीधा YT स्टूडियो में लेके चला जाता था। तो अभी नया अपडेट आया है कि 2024 में अलग टाइप का, मतलब बहुत ही अच्छा सा अपडेट आया है, मतलब आसान तरीके से आप क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आगे क्या होता है, आगे थोड़ा सा मतलब देखने के लिए थोड़ा सा मतलब परेशानी हो रहा था कि जहाँ पे क्लिक करने के लिए करते थे वहाँ YT स्टूडियो में चले जाते थे, तो अभी वो होगा नहीं। अभी मैं जैसा बताऊंगा उसी तरह करने से आप सीधा अपना क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जो कि मतलब वहाँ पे सब सेटिंग वेटिंग करना पड़ता है, अपना चैनल का नाम, अपना चैनल का लोगो वहाँ पे जाके सब कर सकते हैं। YT स्टूडियो में होगा नहीं कि यूट्यूब में होगा वो सब कुछ होगा नहीं, कुछ कुछ होगा कुछ कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें सब कुछ हो जाएगा क्रोम ब्राउजर में। तो कैसे ओपन करना है क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक स्टेप, आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपको ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग इधर ऑन कर रहा हूँ, आप अभी वहाँ पे देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप अपना खुद का सेटिंग कर सकते हैं, या तो फिर अपना कॉपीराइट क्लेम हो, स्ट्राइक हो, जो भी कुछ करना है वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखें, तो अभी मैं अपना यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। ये देखिए मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ। यहाँ पे पहले जाना है क्रोम ब्राउजर पे, क्रोम ब्राउजर ये मेरा साइट में है, वहाँ क्लिक करना है। मैं कर दिया हूँ, आप देखते जाइए। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो सर्च और टाइप URL लिखा हुआ है वहाँ पे हमें लिखना है क्या लिखना है, studio.youtube.com, इतना लिखेंगे नीचे में आ जाएगा सर्च बार में। देखिए ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं studio.youtube.com, यहाँ पे देखिए नीचे में सर्च आइकन का सिंबल है, उसका साइड में लिखा हुआ है studio.youtube.com, उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सीधा क्या करेगा ना, सीधा अपना क्रोम ब्राउजर में डैशबोर्ड में लेके चले जाएगा, यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड में लेके चले जाएगा। वाह, यहीं पे यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ studio.youtube.com, यहीं पे क्लिक करना है आपको। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बात है भी है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं ये। उसे मैं क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पर देखिए जूम करके मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह लिख के आएगा यूट्यूब स्टूडियो, वहाँ पे क्लिक करना नहीं है, नीचे में लॉगिन लिखा हुआ है जो वहाँ पे क्लिक करना है। मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉगिन जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने से वो लेके चले जाएगा यूट्यूब जो मतलब अपना चैनल में स्टूडियो में यूट्यूब स्टूडियो। देखिए मैं क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद अभी देखिए ये वहाँ पे लेके जा रहा है, अपना चैनल का सब कुछ दिखाएगा, अपना वीडियो कितना है, क्या कॉपीराइट आया है या नहीं आया है, वहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप व्यूज भी बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे चैनल का डैशबोर्ड आना शुरू हो गया। लेकिन हाँ इतना बोल रहा हूँ, यहाँ पे राइट साइड में जो थ्री डॉट ऊपर में है उसे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ऑन करना, उसके बाद ऐसा दिखाएगा। ये देखिए मैं अभी डेस्कटॉप साइट मेरा राइट के सिंबल है तो मैं उसे क्लिक करके रखा हूँ, जो कि मतलब इस तरह दिखा रहा है, उसे आपका इस तरह नहीं रहेगा तो आप क्लिक करके उसके बाद देखेंगे तो इस तरह दिखाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये मेरा चैनल का पेज पूरा ओपन हो गया, आ गया चैनल का डैशबोर्ड। ये देखिए मेरा मिथुन का एक तो वेबसाइट में एक तो वीडियो मैं अभी अपलोड किया हूँ, ये देखिए शॉर्ट्स वीडियो है, ये वाला मैं अपलोड किया हूँ। तो इसी तरह आप सीधे आ सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, एक टू स्टेप की दो टू स्टेप में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद देखिए अपना सब कुछ देख सकते हैं, ऊपर में है अपना लोगो का सिंबल मेरा चैनल का, वाह, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो मैं अभी निशान दे रहा हूँ वहाँ एक तो क्लिक करने से अपना जो है अलग एक तो पेज ओपन होकर आएगा, मैं बता रहा हूँ वहाँ क्लिक करके। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करने से चैनल का कस्टमाइजेशन ऑन होकर आ गया, लेआउट ब्रांडिंग बासिक ये सब सेटिंग है, एक एक तो आप कर सकते हैं देख के, मैं खाली बता रहा हूँ, और कुछ भी सेटिंग करने के लिए रहेगा तो मेरे को कमेंट में बताएं। आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा चैनल का ये जितना देखिए शॉर्ट्स वीडियो ये सब कुछ शो कर रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान है, कुछ बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे देखिए ये फिर आगे अपना चैनल, वाह, यहाँ सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे देख के आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आपको अपना YouTube चैनल का जो डैशबोर्ड देखना है, मतलब YouTube चैनल देखना है क्रोम ब्राउजर में, तो आप इस तरह जा सकते हैं, क्रोम ब्राउजर ओपन करके वहाँ पर जाके देख सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो ऊपर में अपना YouTube का सिंबल है प्ले का, वहाँ पे क्लिक करने से ये देखिए मेरा जितना भी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स वीडियो ये सब शो कर रहा है। तो यहीं पे आने के लिए तकलीफ बहुत सारे यूट्यूबर को होता है, तो मैं आज जो तरीका बता रहा हूँ वो पूरा परफेक्ट है, और ज़्यादा भी परेशान बात नहीं है, एक एक मतलब एक तो ही क्लिक में आगे काम हो गया, खाली सर्च करना है, क्लिक करना है लॉगिन पे, आपका शुरू हो गया। तो इसी तरह आप क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, और डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैं इस तरह आपको बता दिया हूँ, इसी तरह आप कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह नया नया वीडियो आपके लिए लेके मैं आ सकूँ, इसी के लिए सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत ही आपके पास मेरा वीडियो पहुँच सकेगा, इसी के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अब मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।